अब यहाँ पे दूसरा फेज जो है हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये फर्स्ट लूप शुरू में जो है हमने यहाँ से कॉइल बनाना शुरू किया था, तो यहाँ से लूप भी निकाल लिया जो कि येलो वायर निकला था इससे। ये कॉइल जो है आपका फर्स्ट कॉइल, ये सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके जो है गया। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ चेंजिंग आया, तो थर्ड कॉइल जो निकला है ये आपका हमने एंटी क्लॉक वाइज वाइंडिंग था इसमें, इसमें क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक से शुरू हुआ, एंटी क्लॉक में जाके ख़त्म हुआ, ये भी हो सकता है। हाँ, बात तो वही है, शुरू करो लास्ट करो, इधर से भी इधर से भी, बीच में आपका क्लॉक वाइज है घड़ी की दिशा में, बीच में जो है आपको घड़ी की दिशा में बनाया हुआ है, ठीक है। अभी इसको भी निकालते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये भी जैसे और हाँ, जैसे ये तीन ग्रुप हुआ येलो का, तो तीन ग्रुप जो है यहाँ पीछे से निकाला, तो इसमें भी थोड़ा सस्पिशन है, चूंकि जो हम अभी कर रहे हैं ठीक इसका उल्टा हमको करना है। तो येलो को यदि हम शुरू में निकाले हैं अभी, तो येलो जो है अपना वाइंडिंग होगा लास्ट में, तो फर्स्ट वाइंडिंग, फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट फेज ये है ब्लू, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं, ये भी आपका एंटी क्लॉक में ही है। देखिए अभी इसको घड़ी की दिशा में निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से निकला, लेकिन जब वाइंडिंग होगा तो ऐसे होगा। अभी निकाल रहे हैं हम ऐसे, लेकिन जब ये वाइंडिंग था तो एंटी क्लॉक में था, ऐसे था, फर्स्ट कॉइल निकाल रहे हैं। दस टर्न है या 11 टर्न, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे यहाँ यहाँ से निकला तो ये हो गया ना एक टर्न बोलेंगे इसको, ये हो गया ना दो, ये हो गया ना तीन, ये हो गया ना चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ टर्न कंप्लीट है, दस, यहाँ से यहाँ दस, ये जो है इतना एक टर्न तो तैयो है, यहाँ से यहाँ ग्यारह, इसे यहाँ से यहाँ दिए तो ये एक हो गया, ग्यारह टर्न मान के चलिए। अब यहाँ से हम फिर निकाल रहे हैं इसको दूसरा वाला, शुरू में जो ये वाला जो वाइंडिंग था आपका वो एंटी क्लॉक में था, अब ये वाला भी जो आपका क्लॉक वाइज होना चाहिए, क्योंकि इसे हम निकाल रहे हैं आपको एंटी क्लॉक में। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये ग्यारह, ग्यारह टर्न इसमें भी निकला है, ग्यारह उसमें भी निकला है, लेकिन जो अंतिम वाला है मतलब ये किसी निकालेंगे इसको, अब इसमें यहाँ शुरू कर किए हैं,
जबरदस्त जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, ग्यारह टर्न है इसमें भी। अब देखिए यहाँ से निकला है तो हमें मतलब यहाँ से निकला, ठीक है। अब पांच स्लॉट जो है पीछे की तरफ चलना है, इधर एक दो तीन चार पाँच, इसको छोड़ के यहाँ से निकला है। ग्यारह टर्न नहीं है, दस नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये ग्यारह। थोड़ा सा यहाँ मार्किंग कर देते तो अच्छा रहता, मार्किंग तो कर ले है खैर, क्योंकि इसमें जो है आपका सेंसर के स्लॉट से ही यहाँ पे शुरू होगा हुआ है। एक दो तीन, अब यहाँ से ये वाला निकलेगा तो यहाँ पर भी सेंसर के स्लॉट से ही निकला। येलो इस तरफ, ग्रीन, ब्लू, बीच में जो है आपका ग्रीन है। अब ये जैसे एक क्वाइल पे निकाल दिया हमने तो ये आपका क्लॉकवाइज में होना चाहिए। देखिए इसको ऐसे निकाले हैं, बनेगा क्वाइल ऐसे। टर्न भी उतना ही होगा, तीन तीन दो ग्रुप बनाया है इसमें, तीन तीन सेट, तीन तीन कॉल का सेट है। इसका स्टेटर का हाल देखिए, ये जो है यहाँ का मिस्त्री एक लेट मिस्त्री कर दिया ऐसा। ये देखिए ये स्लॉट जो है सेंसर के लिए है, इसी से ये इसका लूप जो है यहाँ से निकला हुआ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। ये ग्रीन वाला था, ग्रीन वाला निकल गया, एक फेज दो फेज जो है निकल चुका है। अब यहाँ पे सिंगल फेज जो ब्लू वाला है एक फेज यहाँ रह गया है, देख सकते हैं इसका क्वाल भी जो है बिल्कुल आमने सामने है।